नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जैसा कि दोस्तों पता है, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए हो गया कि आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिलते हैं। पर हम वास्तु के दृष्टि से हम जो है कुछ अपने लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ आसान कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए। मान वास्तु के हिसाब से मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में ये 16 दिशाएं आप मार कर लो, फिर उसके जो कुछ फैक्टर हैं, जो कुछ मेजर दिशाएं हैं, उस दिशाओं को आपको देखना है। उस दिशाओं में कुछ एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिविटी है क्या। जैसे हमें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी जो आती है नॉर्थ दिशा से आती है, तो हम नॉर्थ दिशा में देखेंगे क्या यहाँ पे टॉयलेट है, किचन है। दूसरा दिशा है ईस्ट। ईस्ट जो है सोशल एसोसिएशन का है, सामाजिक संपर्क का है, सामाजिक जुड़ाव का है, गवर्नमेंट से जुड़ाव का है। तो इस दिशा में देखेंगे क्या टॉयलेट है या किचन है या सफ़ेद कलर है, ग्रे कलर है। दूसरी दिशा हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की दिशा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो हम नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रहेगा, हरा कलर रहेगा, तो आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट कोई भी नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे। और दूसरी दिशा जो आती है साउथ वेस्ट, जो हमारे स्किल का है कि हम जिस चीज़ में माहिर हैं, हमारे पास जिस चीज़ का स्किल्स है, उस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे जॉब करने ना, तो क्या वो स्किल्स हमारे जॉब के लिए परफॉर्म करती है कि नहीं करती है, तो हम अपना साउथ वेस्ट को देखेंगे। और पांचवी दिशा आती है वेस्ट, क्योंकि वो गेन का जोन है, प्राप्तियों का जोन है। आपको सब का जो कुछ मिलने वाला है ये वेस्ट दिशा से ही मिलेगी। तो वेस्ट दिशा में देखेंगे क्या यहाँ पर टॉयलेट है, किचन है। पर किचन है तो चलेगी, पर बैलेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे किचन काम करेगी। पर अब हमको इसमें देखना है, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो हम वहाँ पे टॉयलेट के चारों तरफ लोहे की पत्ती डालेंगे, और ईस्ट में टॉयलेट है तो स्टील की पत्ती डालेंगे, और किचन है यहाँ पे तो उसके जो चूल्हा रहेगा चूल्हे के नीचे हरे कलर का पत्थर रखेंगे, तो हमारा ठीक होगा। और साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो हमको हम वहाँ पे उसको ब्रास से ट्रीट करेंगे। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो हम वहाँ पे टॉयलेट के अगल बगल एल्युमिनियम की पत्ती डाल के ट्रीट करेंगे, और अगर वहाँ पे किचन है तो किचन चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर रखेंगे। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे उपाय क्या करेंगे, उपाय हम ये करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जिस चीज़ का इसके साथ बाद आपका जो पढ़ाई है, वो सारे पढ़ाई के जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप नॉर्थ दिशा में रखोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो जॉब ऑफर आएगा वो आपके सर्टिफिकेट पे ही आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए आप उसको उत्तर दिशा में रखोगे। फिर और दूसरा, हम पूरब दिशा में एक ब्रास का या कापर का ही अच्छा रहेगा, कापर का एक मुस्कुराते हुए सूर्य दीवार पर हैंग करेंगे। और साउथ वेस्ट में आपका जो स्किल्स है, उस स्किल्स का कोई भी एक प्रोडक्ट वहाँ पे रखेंगे। जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट का एक फोटो वहाँ पे लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में एक अशोका पिलर, क्योंकि वो गवर्नमेंट को अफोर्ड करता है, हमारे देश का सिंबल है अशोका पिलर, तो हम नॉर्थ वेस्ट में उसको एस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि हमको वो सपोर्ट करेगा। और वेस्ट दिशा में एक आपका जो एम है, उद्देश्य है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है जॉब करना, उस का एक विश लिस्ट W4 पर लगाएंगे। और पूरब दिशा में एक आप जिस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगने वाला है, आप जिसमें इंटरव्यू दिए हो, उस डिपार्टमेंट का अगर आपको एक फोटो मिल जाए, तो आप उस पूरे उसका एक फोटो आप ईस्ट दिशा में लगा दो। क्योंकि आपको उससे ही संपर्क बढ़ाना है, इसलिए वहाँ पे लगाओगे।
तो ये हमारी रेमेडी हो जाएगी। और आपको जो पढ़ना है, जो इंटरव्यू की तैयारी करना है, वो आपको नॉर्थ दिशा में बैठ के करना है या तो साउथ साउथ ईस्ट में करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस की दिशा है, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हाँ हम इसको आगे निकाल सकते हैं। और अपने स्किल्स को हमेशा बनाए रखिए। और साउथ वेस्ट में ये जो दिशा है आपके घर में, इस दिशा में आप अपने पितरों का एक फोटो गोल्डन फ्रेम में लगाओ। क्योंकि आपके पितृ जब तक आपके आशीर्वाद नहीं देंगे, आपको किसी भी चीज़ में महारत नहीं आती हो हासिल होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो है रिलेशनशिप का जोन है, पितरों का जोन है, आपकी जो इंसिमेटी है यही से प्राप्त होती है। नमस्कार।